आगे भागा होगा। दूंगा उसको मैं। आज हमसे फिर पहले आ गया। तुम बाज नहीं आएगा। अरे समंदर खान तुम गुस्सा क्यों होता है? अपना रिक्शा लगा लो हमसे आगे। प्यार चाहिए, तेरा साथ चाहिए, अपने हाथों में बस तेरा हाथ चाहिए। एक खबीस का बच्चा, तेरे घर में माँ बहन नहीं है, दूसरे की माँ बहन को तो ताड़ रहा है। समंदर खान तुम्हें गलत फहमी हुआ है, हम उसको ताड़ नहीं रहे। मेरा बच्चा, मेरा नाम समंदर खान है, समंदर खान, हमको सब पता है तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। समंदर खान ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे इसलिए देख रहा था, मुझे लग रहा था कहीं उसको सवारी ना चाहिए। पागल का बच्चा, हम तुम्हारी आंखें निकाल लेगा, वो हमारा सवारी है, अब रोजाना छोड़ता है उसको। समंदर खान गलती हो गई मुझसे, मुझे अंदाजा नहीं था इस चीज का। तुम जाओ, तुम्हारी सवारी वेट कर रही है तुम्हारा। चलो हिदायतुल्ला, तुम नाराज मत हो, पठान जुबान का कड़वा होता है लेकिन दिल का बहुत साफ होता है। हम तुमसे मिलते हैं बाद में, हमारा सवारी आ गया। ठीक है, खुदा हाफिज। कौन? अरे मैं हूँ कमाल भाई। आ जाओ आ जाओ। कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? ठीक ठाक। मैं आप सुना है, काफी दिनों बाद आए। कमाल भाई मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा आपकी याद आ रही थी, चक्कर ही लगा लूँ आपकी तरफ। बैठो यहाँ पे बैठो। और कमाल भाई क्या हो रहा है आजकल, सुनाए नई ताजी कोई? नई ताजी क्या सुनाऊँ, आप ये बताएं मिठाई कहाँ है? मिठाई? कमाल है, मिठाई किस बात की? बड़े अफसोस की बात है साहब भाई, आपका बच्चा सही काम पे लग गया, अब मैं आपसे मिठाई भी नहीं मांगू। अरे कमाल साहब, मिठाई 100 दफा मिठाई, इसमें तो आपके बच्चे की मेहरबानी है सारी, उसने मेरे बच्चे को प्रसाद काम पे लगा लिया। चाहे मियाँ, मेरे बच्चे की मेहरबानी नहीं है, आपका बच्चा खुद चल के आया था मेरे बच्चे के पास, समझे चाहे मियाँ? बिल्कुल कमाल साहब, बिल्कुल समझ गया मैं। मेरे दिल की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी मेरा बच्चा सही काम पे लग जाए, मेरा सहारा बने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कमाल साहब, अल्लाह ने आज मेरी सुन ली, मेरा बच्चा सही काम पे लग गया। फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? अरे चाहे मियाँ, बच्चे तो होते माँ बाप का सहारा बनने के लिए, बस अकल थोड़ी देर में आती है, समझे? आप सही कह रहे हैं कमाल साहब। चलो मैं चलता हूँ, घर पे खाने पे इंतजार हो रहा होगा मेरा। अल्लाह चाहे मियाँ एक बात सुने। जी कमाल साहब। घर जाके बच्चे को गले लगा देना ताकि वो फक्र महसूस करे। जी जी कमाल सर। हिदायत, हिदायत कहाँ है? ये हिदायत कहाँ है? क्या हुआ या अल्लाह, खैर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बुलाओ, कहाँ है वो हिदायत? अभी मेरा बच्चा थका हुआ आया है और खाना खा के ऊपर गया आराम करने के लिए। ये फिर जरूर कमाल साहब ने आपसे कुछ बोला होगा, वो मेरे बच्चे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, हर वक्त उसके पीछे लगे रहते हैं। कमाल साहब जो देखते हैं ना वही बताते हैं मुझे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बताते। हमारे बच्चों की हरकतें देखी क्या है, जो हरकत करेगा वही तो बताएंगे मुझे। जब भी बाहर से आते हैं ना, दिल को डर लगता है कि अब पता नहीं मोहल्ले वालों ने कौन सा मेरे बेटे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के आपके सामने पेश कर दिया। जैसे उसका कैरेक्टर है ना वैसे उसका सर्टिफिकेट है, बुला रहे हो उसको या मैं खुद जाऊँ? पर बुलाती हूँ हिदायत को, अब न जाने कौन सी मोहल्ले वालों ने खबरें भेज दी मेरे बच्चे का दिल दुखाने के लिए। हिदायत आ गया। हिदायत। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, बुलाया आपने? जी बुलाया मैंने, तुम्हारे साहबजादा के बारे में कुछ सुना है मैंने। ताहिर मुझे यकीन है आपने जो भी कुछ सुना गलत है, हमारा हिदायत बहुत बदल गया है।
पहले जैसा नहीं है। वो सुबह सुबह काम पे जाता है और रात को देर रात तक घर आता है। वो रात देर तक आता है, जब भी तो महले वाले बातें करते हैं। अल्लाह ही खैर करे, लग रहा है बच्चे को कितने किया था आपको पता चल गया। पड़ोसियों का तो काम है बातें बनाना। अब मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, अभी भी बातें बना रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। हिदायत? हिदायत तो अल्लाह तुम्हारे हिदायत को दे दी है। मतलब मैं समझी नहीं कुछ, क्या मतलब आपका? बात ही कुछ ऐसी है, मैं जब भी घर आता हूँ हिदायत की शिकायतें लेके आता हूँ। आज महले वाले तारीफ की तो मुझे खुशी हुई, यकीन नहीं आ रहा था मुझे। ला तेरा शुक्र। हिदायत के चर्चे पूरे महल्ले में हो रहे हैं, लोग पकड़ पकड़ के मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं कि यार तुम्हारा हिदायत जो है वो मेहनत कर रहा है, हक हलाली कमा के लेके आ रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ हिदायत, तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। हिदायतुल्लाह, सब खैरियत तो है? आज सुबह का सूरज टाइम पे नहीं निकला। क्या बताऊं समंदर खान, तुम्हारा सूरज जो था ना वो मुरझा गया। मुरझा गया? यार हम तुम्हारे बड़े भाई की तरह हैं, हमको बताओ क्या मसला है। कुछ नहीं समंदर खान, तुम एक काम करो, अपनी धन्नों को आगे लगा लो मेरी गाड़ी से। तुम्हें शिकवा है ना कि मैं हमेशा आगे लगा लेता हूँ, तो आज ये शिकवा भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, जब भी तुम इतना मुरझाया हुआ है कि हम अपनी गाड़ी आगे लगाते हैं। नहीं, अब तुम अपनी गाड़ी आगे लगाए, इतनी सी बात। ठीक है समंदर खान, और कोई मसला तो नहीं है ना, तो बताओ हम हाजिर हैं। क्या करोगे मेरे लिए? तुम्हारे लिए जान? नहीं, जान तो मेरी बीवी, जान भी हाजिर है, जान भी हाजिर है। चलो, कल तुम जिस लड़की को छोड़ने गए थे उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दोगे? हिदायतुल्लाह, हमने तुम्हारा जुबान खींच लेना है दोबारा, ये फजूल बात करी तो। वो हमारा कस्टमर है, हमने तुम पे एहसान किया और तुम हमारे सर पे ही चढ़ रहे, पागल पागल तो नहीं है? मोहब्बत करता हूँ उससे। मोहब्बत करते हो तो ये माजरा है, मोहब्बत के आगे तो हम भी तुम्हारा गुनहगार है। जो तुम बोलेगा हम वो करेगा, हुक्म करो। समंदर खान, मैं शादी करना चाहता हूँ। शादी? पहले हमसे हाथ मिला, वादा तुम शादी करोगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। अगर इसी एक जगह तुम बोलता ना कि हमें उससे दोस्ती करना है, हम तुम्हारा मुंडी पलट देता। ऐसी बात नहीं है समंदर खान। चलो, हम जी तुम्हारा काम करेगा, लाजमी करेगा। अब साथ दोगे मेरा? अरे हम तुम्हारे साथ हमेशा साथ है, बताओ करना क्या है? समंदर खान, किसी तरीके से उसके दिल में जगह बना ली है मुझे। जगह? हम उसे घर में तुम्हारे लिए घर बनाए का घर, बड़ा वाला, तुम सुकून से रहना। ठीक है समंदर, अब तुम टेंशन नहीं लो, ये जिम्मेदारी तुम्हारे बड़े भाई का है, हम करेगा। अब सोचते हैं हम करना क्या है। अरे हिदायतुल्लाह, तुम जिस लड़की को पसंद करता है वही आ रहा है। लेकिन समंदर खान, वो तो आपके साथ जाएगी ना, आपकी सवारी है। हिदायतुल्लाह, हमने तुमको भाई बोला है, अब भाई होने का फर्ज हम अदा करेगा। अब तुम देखो। समझा नहीं आपकी बात। अरे खामोश, देखो देखो।
चलें समंदर खान। बाजी बैठे हैं चलें, लेकिन एक छोटा सा मसला था, आज मेरी धन्नो जरा ठीक नहीं थी। समंदर खान तुम्हारे यही मसले हैं, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? टेंशन की बात नहीं, आपका भाई है ना, ये हमारा छोटा भाई है, भरोसे के लायक है, ये आपको छोड़ेगा। चले सवारी पक्की समझो, अब मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। आप मेरा नंबर लिख लें, मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, बताओ। 0311 45। ठीक है, मैंने सेव। कौन पागल कॉल कर रहा है? बहन ये कौन है यार पागल, सुबह 6 बजे कॉल कर रहा है? लड़कियों का अलग होता था, तो आपके यहाँ मतलब दोनों साथ में क्लास में साथ होते हैं? मुझे ये बताओ, ये जो यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियाँ दोस्त होते हैं, इनकी आपस में दोस्तियाँ कैसी होती हैं? प्यार चाहिए, तेरा साथ चाहिए, अपने हाथों में बस तेरा हाथ चाहिए।